पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच अक्सर तकरार छिड़ती है, लेकिन अब ये लड़ाई और तेज होगी क्योंकि सीएम ममता बनर्जी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से विश्वविद्यालयों के चांसलर होने का अधिकार छीन लिया है और ये अधिकार अब सीएम ममता के पास होगा। आज इसे लेकर प्रस्ताव भी पारित कर दिया गया। राजधानी दिल्ली में अक्सर उपराज्यपाल और सीएम के अधिकार को लेकर बहस छिड़ती है। दिल्ली का बॉस कौन होगा, ये मामला कोर्ट तक भी जा पहुँचा है। वहीं इसी तरह की तकरार पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिलती है, लेकिन इस लड़ाई के बीच सीएम ममता ने एक बार फिर साबित कर दिया कि पश्चिम बंगाल की बॉस वही है। राज्य सरकार के सभी विश्वविद्यालयों के चांसलर यानी कुल अधिपति अब राज्यपाल नहीं बल्कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी होंगी। इससे संबंधित विधेयक आज विधानसभा में लाया गया जिसे मंजूरी दे दी गई। इस प्रस्ताव के पास होने के बाद राज्यपाल जगदीप धनखड़ की शक्तियाँ कम हो गयी है। दरअसल राज्य के विश्वविद्यालयों के चांसलर गवर्नर ही होते हैं जो कुलपतियों की नियुक्ति करते हैं, लेकिन चांसलर ममता बनर्जी बन गई हैं। इस बदलाव के पीछे टीएमसी ने राज्यपाल की कमजोरी को बताया है। ममता सरकार ने आरोप लगाया था कि राज्यपाल धनखड़ ने राज्य सरकार की सहमति के बिना कई कुलपतियों की नियुक्ति कर दी, इसलिए राज्यपाल की शक्तियाँ कम करने के लिए ही ममता सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। अब सरकार ने तो बिल पास कर दिया, लेकिन ये एक राजनीतिक फैसला है, लिहाजा इस मुद्दे पर दोनों तरफ से राजनीति भी जमकर होगी। विधानसभा में कोई भी बिल पास हो जाने के बाद उसे मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाता है। अब बिल पास होने के बाद राज्यपाल के पास जाएगा, ऐसे में देखना होगा कि वो इसे मंजूरी देते हैं या नहीं। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।